हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हमने शूटिंग एन एलिफेंट चैप्टर 3 शुरू किया हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था कि पुलिस ऑफिसर होता है, वो पुलिस ऑफिसर है जो वो उसको एक इंसिडेंट मिलता है कि एक एलिफेंट है, उसने मार्केट है जो उसको तबाह कर दिया है, वो पागल हो गया है। एक किसी का पालतू एलिफेंट था, तो वो अपनी राइफल लेके निकलता है। उसको रास्ते में दिखता है कि बम्बों के हर्ट्स जो है टूट चुके हैं और एक काओ इंजर्ड हो गई है, तो ऐसे काफ़ी नुकसान हुआ और एंड में उनको एक डेड बॉडी मिलती है जिसका हाल इतना ज़्यादा बुरा था कि उसको देख के पुलिस ऑफिसर अपने फ्रेंड से हाथी को मारने के लिए राइफल मंगाता है। तो आगे वो क्या करता है वो हम पढ़ेंगे। द ऑर्डरली केम बैक इन अ फ्यू मिनट्स विद अ राइफल एंड 5 कैटा Triggers and meanwhile some Brahmins had arrived and told us that the elephant was in the paddy fields below, only a few hundred yards away. उसके पास वो राइफल आ जाती है, साथ में 5 जो उसकी गोलियां होती हैं राइफल की वो आ जाती हैं। और उसी टाइम कुछ लोग आते हैं पुलिस ऑफिसर के पास और उसको बताते हैं कि वो एलिफेंट है जो वो एक खेतों में देखा गया जो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है। As I started forward, practically the whole population of the quarter forked out the houses and followed me. जैसे ही कहता मैं उस तरफ गया तो मेरे साथ उस एरिया के सारे लोग जो हैं वो मेरे पीछे पीछे आने लगे। They had seen the rifle and were all shouting excitedly that I was going to shoot the elephant. जब उन्होंने मेरे हाथ में राइफल देखी तो उनको लगा कि मैं एलिफेंट को शूट करने जा रहा हूँ। When he was merely revenging their house, but it was difficult now that he was going to be shot. When he was merely revenging their houses, उनको कहा कि वो अपने अपने घरों में रहें, but it was difficult now that he was going to be shot. पर उसके लिए शूट पे जाना मुश्किल था। It was a bit of fun to them. ये उनके लिए एक मज़े की बात भी थी कि हाथी का शिकार कैसे होता है लोगों के लिए। As it would be an English crowd. वो एक इंग्लिश क्राउड था। Beside they wanted the meat. और वो मीट भी चाहते थे, शायद एलिफेंट का मांस खाना चाहते हों। It made me bigly uneasy. इस सब चीज़ों ने मुझे घबराहट पैदा कर दी। आई हैड नो इंटेंशन ऑफ शूटिंग द एलिफेंट। मेरी कोई अटेंशन नहीं थी कि मैं हाथी को मारूंगा। आई हैड मेयरली सेंट फॉर द रिफर टू डिफेंडिंग माई सेल्फ इफ नेसेसरी। वो तो सिर्फ मैंने अपने बचाव के लिए उठाई थी। एंड इट इज़ ऑलवेज अनर्विंग टू हैव अ क्राउड फॉलोइंग यू। और मुझे ये क्राउड है जो वो बहुत ही घबराहट पैदा कर रहा था। आई मार्च डाउन द हिल। मैं पहाड़ियों से गया। लुकिंग एंड फीलिंग अ फूल। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पागल दिखाई दे रहा हूँ। विद अ रिफल ओवर माई शोल्डर। बंदूक मेरे शोल्डर पे थी, कंधे पे थी। एंड एन एवर ग्रोइंग आर्मी ऑफ पीपल जोटिंग एट माई हील्स। और हर एक आर्मी का जो लोग थे वो मेरे साथ जा रहे थे। एट द बॉटम व्हेन यू गॉट अवे फ्रॉम द हट्स देयर वाज अ मेटल्ड रोड एंड बियॉन्ड दैट अ मिडी वेस्ट ऑफ पैडी फील्ड्स 1000 yards अक्रॉस। जैसे ही हम उस क्वार्टर से बाहर निकले वहाँ पे सड़क कैसी थी, गारे वाली बनी हुई थी और पैडी फील्ड्स जो खेत थे वो शुरू हो गए थे। नॉट येट प्लोड। उनको अभी बाहर नहीं गया था। फ्रॉम द फर्स्ट ट्रेन्स एंड डॉटेड विद क्रॉस ग्रास द एलिफेंट वॉज स्टैंडिंग 8 yards फ्रॉम द रोड। जो हाथी है सामने 8 yard के बाहर खड़ा था रोड से। हीज लेफ्ट साइड टूवर्ड्स अस। उसकी लेफ्ट साइड हमारी तरफ थी। ही टुक नॉट द साइड नोटिस ऑफ द क्राउड्स। उसको अभी क्राउड्स के बारे में पता नहीं चला था। He was tearing up bunches of grass, beating them against his knees to clean them and stuffing them not into mouth. वो वहाँ पर खड़ा ग्रास को उखाड़ रहा था, क्लीन कर रहा था और उनको अपने माउथ में डाल रहा था, मतलब घास खा रहा था वो। I had halted on the road. मैं रोड पे खड़ा हो गया। As soon as I saw the elephant, I knew the with perfect certainty that I ought not to shoot him. मैं कहते वहाँ पे जब खड़ा हुआ मैंने हाथी को देखा तो मैंने बोल दिया कि हम कोई भी हमें शूट नहीं करना चाहिए हाथी को। It is a serious matter to shoot a working elephant. It is comparable to destroy a huge and costly piece of machinery and obviously one ought not to do so it if can possible be avoided. कहता कि ये बहुत गलत बात है कि हम एक वर्किंग एलिफेंट को शूट करेंगे, फिर एक बहुत बड़ी मशीनरी है जो उसको ख़राब करेंगे, उस पर पैसा लगाएंगे उसको उठाने के लिए, तो हमें ऐसा करने में अवॉइड करना चाहिए।
एंड एट द डिस्टेंस इस दूरी पे पीसफुली ईटिंग द एलिफेंट लुकिंग नो मोर डेंजरस दैन अ काउ. उसको काउ के बिना और कोई भी डेंजरस नहीं दिखाई दे रहा था हाथी को. आई थॉट देन एंड आई थिंक आई नाउ दैट दिस अटैक ऑफ मस्ट वॉज रेडली पासिंग ऑफ इन विच केस ही वुड मेयरली वंडर हार्मलेसली अबाउट अनटिल द मेथड्स कम बैक एंड कैच हिम. कहते पुलिस ऑफिसर सोचता है कि अब हमें मस्ट पे अटैक कर देना चाहिए हाथी पे और उसको मतलब इतना नुकसान पहुंचाना चाहिए कि माउंट जो कि उसको काबू कर सकता है आदमी वो वहाँ पे आ जाएगा और उसको पकड़ लेगा. मोर ओवर आई डिड नॉट इन द लीस्ट वॉन्ट टू शूट हिम. पर मैं नहीं चाहता कि उसको शूट करें हम. आई डिसाइडेड दैट आई वुड वॉच हिम फॉर अ लिटल वाइल टू मेक श्योर दैट ही डिड नॉट टर्न्स अवे अगेन एंड देन गो होम. और हम ने मैंने डिसाइड किया कि हम उसको दूर से देखेंगे कि वो कोई नुकसान तो नहीं कर रहा और देन गो होम और हम घर चले जाएंगे. भी शायद अब वो शांत हो गया हो. बट दैट मोमेंट पर इस मोमेंट पे क्या हुआ. आई ग्लेज्ड राउंड एट द क्राउड दैट हैड फॉलोड मी. पर मैंने जब देखा सारी लोग तो मेरी तरफ आ रहे थे. इट वॉज अ इमेंस क्राउड. ये बहुत बड़ा क्राउड था. 2000 एट लीस्ट 2000 लोग थे एंड ग्रोइंग एवरी मिनट. और हर एक मिनट में ये रश जो बढ़ रहा था. It blocked the road for a long distance on either side. एक तरफ से रोड बिल्कुल बंद हो गई थी. I looked at the sea of yellow face above the greasy clothes. Faces all happy and exciting over his bit of fun. All certain that the elephant was going to be shoot. और मैंने जब सबके चेहरों पे देखा तो उनके चेहरों पे खुशी थी कि इस एलिफेंट को आज शूट कर दिया जाएगा. They were watching me as they would watch a condor about to perform a trunk trick. वो ये देखने आए थे कि मैं उसको किस ट्रिक से शूट करता हूँ. दे डिड नॉट लाइक मी. वो मेरे को पसंद नहीं करते. बट विद द मैजिकल राइफल इन माय हैंड. पर अब मेरे हाथ में एक राइफल है. माय हैंड आई वाज मेमोरली वर्थ वॉचिंग. एंड सडनली आई रियलाइज दैट आई शुड हैव टू शूट द एलिफेंट आफ्टर ऑल. और मैंने रियलाइज किया कि मेरे को एलिफेंट को शूट कर देना चाहिए. द पीपल एक्सपेक्टेड इट ऑफ मी. पीपल मेरे से ये उम्मीद कर रहे थे एंड आई हैड गॉट टू डू इट. और मैं ये कर सकता था. आई कुड फील देयर 2000 बिल्स प्रेसिंग मी फॉरवर्ड. मुझे ऐसा लगा कि 2000 लोग मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं कि मुझे वो मार देना चाहिए. एंड इट वॉज दिस मोमेंट एज आई स्टूड देयर विद माई राइफल इन माई हैंड दैट द फर्स्ट क्रैच द हॉलोनेस द फ्लेंटी ऑफ द वाइट मैंस डिमेंशन ऑफ द ईस्ट. कहते कि ये एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पर मैं राइफल के साथ खड़ा था और मैं ईस्ट से हूँ और मैं वेस्ट में था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे उसको मार देना चाहिए. हेयर आई वॉज द वाइट मैन विद हीज गन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द unarmed native crowd, seemingly the leading actor of the piece. But in reality, I was only an absorbed puppet pushed to and fro by the will of those yellow faces behind. कहते कि उन सबको ऐसे लग रहा था कि मैं वाइट मैन हूँ और मेरे हाथ में गन है जैसे कि मैं कोई एक्टर हूँ और मुझे वो मुझसे जैसे उम्मीद कर रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा. पर मैं ऐसा नहीं था. I preserved in this moment that when the white man turns trained in its own freedom that he destroyed. He became a sort of a wallow posing dummy, the conventionalized figure of the sahib. तो लोग जो हैं वो वाइट पर्सन है जो उनको साहिब साहिब कह के बुलाते थे जो छोटे लोग होते थे. फॉर इट इज़ द कंडीशन ऑफ हिज रूल दैट ही शैल स्पेंड हिज लाइफ इन ट्राइंग टू इम्प्रेस द नेटिव्स एंड सो इन मैन एवरी सी क्राइसिस ही हैज़ गॉट टू डू व्हाट द नेटिव्स एक्सपेक्ट टू हिम. कहते कि मैं एक ऐसी कंडीशन में हूँ जिसमें मैं ये रोल फॉलो करता हूँ कि मुझे अपनी लाइफ स्पेंड करनी चाहिए कि नेटिव्स को मैं इम्प्रेस कर सकूँ और वो मुझे जो है नेटिव जो मुझसे इच्छा करते हैं वो मैं पूरी करूँ. ही वियर्स अ मास्क. उसने एक मास्क पहना हुआ था एंड हिज फेस ग्रूज टू फिट इट. और उसका फेस इसमें पूरा फिट हो गया था. आई हैड गॉट टू शूट द एलिफेंट. मैं एक एलिफेंट को शूट करने जा रहा था. आई हैड कमिटेड माई सेल्फ टू डूइंग इट व्हेन आई सेंट फॉर द रेफर. वो तो कहता कि मैं ये आई हैड कमिटेड माई सेल्फ. मैंने अपने आप से वादा किया टू डूइंग इट. मैं ये करूँगा व्हेन आई सेंट फॉर द रेफर. जो मैं रेफर को वापस देने जाऊँगा. द साहिब हैड गॉट टू एक्ट लाइक ए साहिब. साहिब एक साहिब की तरह एक्ट करता है. ही हैज़ गॉट टू अपीयर रेसोल्यूट टू नो हिज ओन माइंड एंड डू डेफिनेट थिंग्स. उसके माइंड में वो अपने माइंड में सब कुछ जानता है और वो ही काम करता है. टू कम ऑल दैट वे रिफल इन हैंड विद 200 पीपल मार्चिंग एट माई हील्स एंड देन टू ट्रेल हैवली अवे हैविंग डन नथिंग. नो दैट वॉज इम्पॉसिबल.
कहता कि लोग मेरे पीछे पीछे आए, मेरे हाथ में राइफल है, वो मेरे से इच्छा कर रहे हैं कि मैं एलिफेंट को मार दूँ, अगर मैं नहीं मारूंगा तो उनकी इच्छा ख़त्म हो जाएगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। द क्राउड वुड लाफ एट मी, सारा क्राउड मेरे पे हंसेगा, अभी इसे कहा थी नहीं मरा। एंड माई होल लाइफ, एवरी वाइट मैंस लाइफ इन द ईस्ट वॉज वन लॉन्ग स्ट्रगल नॉट टू बी लाफ्ड एट। और जो मेरी रेपुटेशन बनी हुई है इसमें ईस्ट में, वो सारी ख़त्म हो जाएगी और मैं इस लाफ्टर के साथ स्ट्रगल नहीं कर पाऊँगा, मुझे बहुत गिल्टी फील होगी। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू शूट द एलिफेंट, पर मैं एलिफेंट को नहीं मारना चाहता था। आई वॉच्ड हिम बीटिंग हिज बंच ऑफ ग्रास अगेंस्ट हिज नीज विद दैट प्री ऑक्यूपाइड ग्रैंड मदरली एयर दैट एलिफेंट्स हैव। इट सीम्स टू मी दैट इट वुड बी मर्डर टू शूट हिम। कहते कि मैं उसको मारना नहीं चाहता था, वो बिल्कुल शांत होकर अपना घास खा रहा था, और तो अगर मैं उसको शूट करूँगा तो ऐसा लगेगा मैंने उसको शूट नहीं किया, मैंने उसका मर्डर किया है। एट दैट एज आई वॉज नो सबक्यूश अबाउट किलिंग एनिमल्स, मुझे इस उम्र में एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए, बट आई हैड नेवर शूट एन एलिफेंट, पर मैंने कभी भी एलिफेंट को नहीं मारा एंड नेवर वॉन्टेड टू, और ना ही मैं चाहता हूँ कि मैं उसको मारूँ। Beside there was the beast honor to be considered. Alive the elephant was worth at least 100 pounds, dead he would only be worth the value of his tusk 5 pounds possibly. कहते कि जिंदा जो एलिफेंट है वो तो 100 pounds का है, डेड होने के बाद उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, सिर्फ 5 pounds possibly. But I had to act quickly, पर मैंने जल्दी से काम किया। I turned to some experienced looking burners who had been there when we arrived. मैंने कुछ experience जो लोग थे उनको देखा जो वहाँ पे आए थे, एंड आस्क देम हाउ द एलिफेंट हैड बीन बिहेविंग, वो बात कर रहे थे कि एलिफेंट कैसे बिहेव कर रहा था। दे विल से, दे ऑल से द सेम थिंग, सभी ने एक चीज़ बताई, ही टुक नो नोटिस ऑफ यू इफ यू लेट If you felt him alone, क्या तुम उस पर नज़र नहीं रख सकते अगर तुम अकेले हो, but he might charge if you went too close to him, पर तुम उसका चार्ज ले सकते हो अगर तुम उसके पास रहते हो। मगर एलिफेंट को आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, पर उसको अकेला नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो पागल हो जाता है। आई वॉज परफेक्टली क्लियर टू मी वट आई ऑट टू डू, मैंने अपने आप में ये क्लियर कर लिया कि मुझको करना क्या चाहिए। आई ऑट टू वॉक अप टू विद इन से 25 yards ऑफ द एलिफेंट एंड टेस्ट हिज बिहेवियर। कहता कि मैं 25 yard आगे जाऊँगा और एलिफेंट का बिहेवियर चेक करूँगा। इफ़ ही चार्ज्ड, अगर वो वैसा ही है, आई कुड शूट, मैं उसको मार दूँगा। इफ़ ही टुक नो नोटिस ऑफ मी, अगर उसने मुझे तरफ मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, इट वुड बी सेफ टू लीव हिम अनटिल द मैथॉन कम बैक, और मैं उसको नहीं मारूंगा जब तक महंत जो है उसका मालिक नहीं आ जाता। बट ऑल्सो आई न्यू दैट आई वॉज गोइंग टू डू नो सच थिंग, पर मैं ऐसा कुछ करने नहीं जा रहा था। आई वॉज अ पुअर शॉट विद अ रिफल, मुझको रिफल से शॉट नहीं लगाना आता था, एंड द ग्राउंड वॉज सॉफ्ट मड इन टू विच वन कुड सिंक एट एवरी स्टेप, और जो रास्ता था वो इतने गारे से भरा हुआ था कि हर एक स्टेप पे ऐसे लगता था कि आप गिर जाओगे। इफ़ द एलिफेंट चार्ज्ड एंड आई मिस्ड हिम, अगर एलिफेंट वैसे ही पागल हुआ और मैंने शॉट मिस कर दिया, आई शुड हैव एज मच चांस एज ए टोड अंडर अ स्टीम रोलर, और मुझे लगता है वो मेरे को आके मार देगा और मेरे को बिल्कुल प्लेन बना देगा ज़मीन पे। बट इवन देन आई वॉज नॉट थिंकिंग पर्टिकुलरली ऑफ माई ओन स्किन, अगर मैं अपनी स्किन के बारे में ना सोचूं, ओनली ऑफ द वॉचफुल येलो फेसेस बिहाइंड, और मैं उन लोगों के येलो फेसेस, मतलब जो उसके पीछे लोग खड़े थे, उनके बारे में सोचूं। फॉर एट दैट मोमेंट विद द क्राउड वॉचिंग मी, इस मोमेंट पे लोग मेरे को देख रहे थे, आई वॉज नॉट अफ्रेड इन द ऑर्डनरी सेंस, मैं आमतौर पे डरता नहीं था, एज आई वुड हैव बीन आई हैड बीन अलोन, जैसे कि मैं अकेला होता हूँ। A white man must not be frightened in front of natives. एक वाइट आदमी को लोकल लोगों से डरना नहीं चाहिए, सो एंड सो इन जनरल ही इज़ नॉट फ्रेटेंड, तो इसलिए वो नहीं डर रहा था। द सोल थाट इन माई माइंड वॉज दैट इफ एनीथिंग वेंट रॉन्ग दोज 2000 ब्राह्मण्स वुड सी मी प्रस्यूड, अगर कुछ भी कहता ऐसा गलत हो गया, माई माइंड में सोच रहा था कि 2000 लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो क्या करेंगे, कैच करेंगे ट्रम्फर्ड ऑन एंड रिड्यूस टू अ ग्रीनिंग क्रॉप्स लाइक दैट इंडियन अप द हिल, और जो हाथी है इन सबको कुचल के चला जाएगा, तो ये तो यहाँ पे तो लाशें बिछ जाएंगी। एंड इफ़ दैट हैपेंड इट वॉज क्वाइट पॉसिबल दैट सम ऑफ देम वुड लाफ, अगर मेरे से नहीं मरा हाथी तो मेरे पे लोग हंसेंगे। दैट वुड
दैट वुड नेवर डू, देयर वॉज ओनली वन अल्टरनेटिव, इसका एक ही रास्ता था. आई शॉट द कैटेगराइज इन टू द मशीन, मैंने गोलियाँ बंदूक में डाली एंड ले डाउन ऑन द रोड टू गेट अ बेटर एम, और मैं रोड पर चढ़ गया अपना एम लेके. द क्राउड ग्रू वेरी स्टिल, जो लोगों का इकट्ठा था वो बढ़ता जा रहा था. एंड अ डीप लो हैप्पी साइन एज ऑफ पीपल हु सी द थिएटर कर्टन गो अप एट लास्ट ब्रीथन फ्रॉम इननंबरेबल थॉट्स. वहाँ पे लोग इकट्ठे होके मेरे को देख रहे थे, खुश हो रहे थे कि कब एलिफेंट को मैं मारूंगा. दे वर गोइंग टू हैव देयर बिट ऑफ फन आफ्टर ऑल, वो एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे. द राइफल वॉज अ ब्यूटिफुल जर्मन थिंग विद क्रॉस हेयर साइड्स, एक राइफल जो मेरे हाथ में थी वो एक बहुत ही अच्छी दिखने वाली थी, जर्मन गन थी. I did not know that in shooting an elephant one would shoot to cut an imaginary bar running from ear hole to ear hole. मुझे नहीं पता था कि उस गन से मैं शूट करूँगा तो वो जो है एलिफेंट के एक कान से दूसरे कान में निकल जाएगी या नहीं, मतलब एक साइड दूसरे होल जाएगी या नहीं. आई ऑट एज द एलिफेंट वॉज साइड वीज ऑन टू हैव मेम्ड स्ट्रेट at his ear hole. Actually, I aimed several inches in front of this thinking the brain would be further forward. और मैं मेरे को कहता कि ध्यान सिर्फ एलिफेंट की साइड में देना चाहिए, स्ट्रेट एम होना चाहिए कि मैंने उसके सिर में गोली लगानी है और कहीं नहीं लगानी. When I pulled the trigger, जब मैं ट्रिगर दबाने लगा, गोली चलाने लगा, I did not hear the bang or feel the click. मुझे उस बंदूक की आवाज़ नहीं सुनी और ना ही मैंने कोई किक फील की. वन नेवर गोज वैन आ शूट गोज होम बट आई हियर द डेविश रोर ऑफ गील दैट वेंट आउट फ्रॉम द क्राउड. पर मुझको कुछ भी पता नहीं लगा क्या हो गया, पर मैंने क्राउड का शोर सुनाई दिया. एट इन दैट इंस्टेंट इन टू शॉर्ट अ टाइम, बहुत छोटे टाइम में, वन वुड हैव थॉट इवन फॉर द बुलेट टू गेट देयर अ मिस्टीरियस टेरिबल चेंज हैड कम ओवर द एलिफेंट. बंदूक से जब गोली निकली तो एलिफेंट में एक चेंज आया. ही नेदर स्टेयर्ड नॉर फेल, को ना तो खड़ा था ना ही वो गिरा था, बट एवरी लाइन ऑफ हिज बॉडी हैड अल्टर्ड, पर उसकी हर एक बॉडी पार्ट है जो वो अल्टर चेंज हो रहा था. ही लुक सडनली स्टिकन immensely old as though the frightful impact of the bullet had paralyzed him without knocking him down. उस बुलेट ने क्या असर किया उस पे, हाथी पे, वो पैरालाइज्ड हो गया, मतलब उसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी. एट लास्ट आफ्टर व्हाट सीम अ लॉन्ग टाइम, इट माइट हैव बीन सेकेंड्स, आई डेयर से ही सैग्ड फ्लेबली टू हिज नीज, वो अपने घुटनों पे बैठ गया. हिज माउथ स्लोबन, उसका सर कांप रहा था. एन अनेमरियस लाइटली सीम्स टू हैव सेटल्ड अपॉन हिम, वन कुड हैव इमेजिन हिम थाउजेंड ऑफ ईयर्स ओल्ड. आई फायर्ड अगेन इन टू द सेम शूट, मैंने दूसरा शूट फिर से कर दिया. एट द सेकेंड शॉट ही डिड नॉट क्लैस्प बट क्लाइम्ड विद डिसएपरेट स्लोनेस टू हिज फीट एंड स्टूड वीकली अपराइट. वो गिरा नहीं था दूसरे शूट पर, पर वो क्या हो गया था, खड़ा खड़ा धीरे धीरे अपने पैरों पर बैठना शुरू कर दिया था उसने, और बहुत कमज़ोर लग रहा था. With legs swinging and head dropping, उसका सिर गिर रहा था, लातें कांप रही थी. I fired a third time, मैंने तीसरी बार तीसरी गोली चलाई. That was the shoot that did for him, ये शूट उसका पे काम कर गया. You could see the agony of it jolt his whole body and knock the last fragment of strength from his legs, but it falling he seemed a moment to rise for as his hind legs clasped behind him the seemed to tower upward like a huge rock toppling, his trunk reaching skywards like a tree. He triumphed for the first time and only time, and then down he came, his belly towards me with a crash, but seem a shake the ground when he where he lay. जब उसने तीसरा शॉट किया तो वो नीचे धीरे 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 से गिरता हुआ एकदम से नीचे गिर जाता है, और जो इतना भार होने की वजह से ज़मीन है जो वो हिल जाती है. I got up, मैं उठता हूँ. The Brahmins were already racing past me across the mud. सारे लोग मेरी तरफ भागते हैं. It was obvious that the elephant would never rise again. ये तो पक्का पता था कि अब हाथी उठ तो सकता नहीं कभी. But he was not dead, पर वो मरा नहीं था. He was breathing very rhythmically with long rattling gasp, पर वो बहुत तेज़ी से सांस ले रहा था. His
ग्रेट माउंट ऑफ अ साइड पेनफुल राइजिंग एंड फॉलिंग. उसकी जो पेन है वो कभी बढ़ती थी कम होती थी. हिज माउथ वाज वाइड ओपन. उसका मुंह खुला था. आई कुड सी फार डाउन इनटू कर्व्स ऑफ पेल पिंक थॉट. मैं उसका गला अंदर से आराम से देख सकता था जो अंदर से पिंक था. आई वेटेड अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू डाई. हम लंबे समय तक उसकी वेट करते रहे भी वो कब मरेगा. बट हिज ब्रीथिंग डिड नॉट वीकन. पर उसके सांस अभी कम नहीं हुए थे. फाइनली आई फायर्ड माई टू रिमेनिंग शॉट्स इनटू द शॉट वेयर आई थॉट हिज हर्ट मस्ट बी. मैंने उसके दिल पे दो शॉट और मारे. द थिक ब्लड वेल्ड आउट ऑफ हिम लाइक रेड वेलवेट. उसके बॉडी से थोड़ा सा ब्लड निकला जैसे कुछ रेड कलर का वेलवेट हो. बट स्टिल ही डिड नॉट डाई. पर वो अभी भी नहीं मरा था. हिज बॉडी डिड नॉट इवन जंक. उसकी बॉडी अब हिल नहीं रही थी. वैन द शूट्स हिट हिम. जब उसको गोली मारी जाती थी. द टॉर्चर ब्रीथर कंटिन्यूड विदाउट अ पॉज. पोस्ट लंबे लंबे सांस अभी भी ले रहा था. ही वॉज डाइंग. वो मर रहा था. धीरे धीरे मर रहा था. एंड इज ग्रेट एगनी. But in some word remote from me where not even a bullet could damage him further. पर उसको कोई भी बुलेट है जो वो नुकसान नहीं पहुँचा रही थी. ही फेल्ट दैट आई फेल्ट दैट आई हैड गॉट टू पुट एन एंड टू दैट ड्रेडफुल नॉइज. मुझको ऐसा लगा कि मैंने ऐसी आवाज़ जो है हाथी की वो शांत कर दी है. इट सीम्ड ड्रेडफुल टू सी द ग्रेट बीस्ट लेइंग देयर पावरलेस टू मूव एंड येट पावरलेस टू डाई. हमारे सामने एक बीस्ट पड़ा था जो कि हिल नहीं सकता था और मर भी नहीं रहा था. एंड नॉट इवन टू बी एबल टू फिनिश हिम. और ना ही हम उसको ख़त्म कर सकते थे. आई सेंड बैक फॉर माई स्मॉल रेफल. अब उसकी गोलियां ख़त्म हो गई थी तो उसने छोटी रेफल मंगाई अपनी. ही प्योन शॉट आफ्टर शॉट इनटू हिज हर्ट. धड़ाधड़ उसने उसके शूट किए लगातार अपनी छोटी गन से. एंड डाउन हिज थॉट. और उसका जो गला था वो नीचे गिर गया. दे सीम टू मेक नो इम्प्रेशन. अब वो कोई इम्प्रेशन नहीं दे रहा था. The tortured grasp continued as उसको लगातार torture किया जा रहा था. In the end, I could not stand in any longer. मैं जहाँ वहाँ पर ज़्यादा टाइम खड़ा नहीं हो सका. And went away I hear later that it took him half an hour to die. और जब मैंने सुना कि इसको तो आधा घंटा और लगेगा मरने में. ब्राह्मण पर bringing the hearts and baskets even before I fell. And I was told they had stripping the body almost to the bones by the afternoon. और वो अपने जो लोग थे वो अपने साथ baskets वगैरह ले आए उसकी bones वगैरह निकालने के लिए जो काम आते होते हैं. Afterward there were endless do customs about the shouting of the elephant. The owner was रिटर्न. उसका ऑनर आ गया. बट ही वॉज ओनली एन इंडियन. वो एक इंडियन था. एंड वुड डू नथिंग. और वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अब तो उसका हाथी मर गया था. बिसाइड्स लीगली आई हैड डन द राइट थिंग. कहते चाहे कि मैंने लीगली एक अच्छा काम किया था. फॉर अ मैड किंग हैड बीन किल्ड. एक पागल हाथी को मार के लाइक अ मैड डॉग. जैसे कि एक पागल कुत्ता होता है. If its owner fails to control it, among the European opinion was divided. The older man said that I was right. एक बुजुर्ग ने मुझे कहा कि तुमने सही किया. The younger man said it was a damn shame to shoot an elephant for killing a cool because an elephant was worth more than any damn colleague's coolie. कहते कि यंगर जो मैन थे उन्होंने मुझे शर्म दिलाई कि तुम्हें शूट नहीं करना चाहिए था. एंड आफ्टर वर्ड आई वॉज ग्लैड दैट द कुली हैड बिन किल्ड. और मुझे खुशी हुई कि वो कुली था जो हाथी था वो मर गया था. इट पुट मी लीगली इन द राइट एंड गिव मी अ सफिशिएंट प्रिटेक्स फॉर शूटिंग द एलिफेंट. आई ऑफन वंडर वेदर एनी ऑफ द अदर्स ग्रेस्प दैट आई हैड डन इट सुली टू अवॉइड लुकिंग टू अ फूल. कहते कि मुझको खुशी हुई कि मैंने उसको मार दिया क्योंकि वो पागल था. मुझको लीगली राइट था कि जो आदमी नुकसान करता है जो एनिमल नुकसान करता है उसको मैं मार सकूँ. आगे भी अगर ऐसे इंसिडेंट्स होंगे तो मैं उनके साथ भी ऐसा ही करूँगा. तो इस चैप्टर में इस तरह से एक ऑफिसर ने एक एलिफेंट का शूट किया. आपने शूट को एक्सप्लेन करना है कि उसने शूट कैसे किया था. उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नोट्स पढ़ेंगे. तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लो. ओके बेटा, कोई दिक्कत लगती है कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे से कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. ओके बेटा, ओके बाय बाय.